हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, कल है फुल सग्यान एंड सबसे पहले हम आज गर्मा गर्म सुबह उठ के चाय बनाते हैं और रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल है फुल सग्यान और फुल सग्यान है, फुल सग्यान में फूल तोड़े जाते हैं, फूल घरों घरों में फूल फेंके जाते हैं, उसके बदले बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड मैंने कभी नहीं खेला है फुल सग्यान, क्योंकि हम हमेशा गांव में रहते नहीं थे एंड फुल सग्यान कभी मौका नहीं मिला। तो गाइस, ये टोकरी है आयु के नाम की, और आयु की टोकरी सजाई है मैंने, और कल मैं जाऊंगी फुल सग्यान खेलने, आयु की फुल सग्यान खेलने के लिए। उसकी मम्मा जाएगी एंड यहाँ पर मैंने इसकी टोकरी बिल्कुल अच्छे से सजा दिया, और इसमें आज मैं कलेक्ट करूँगी अभी बहुत सारे फ्लावर्स। एंड सबसे पहले फ्लावर्स कलेक्ट करने से पहले यहाँ पे उसकी पूजा करी जाती है टोकरी की। इसमें 5 बर्तन रखे जाते हैं, थोड़े से चावल पैसे। तो मैं निकल पड़ी हूँ गाइस फूल तोड़ने के लिए। मेरे साथ है नानू एंड यहाँ पर हम फ्लावर्स तोड़ रहे हैं जो जो हमें मिल रहे हैं। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये त्यौहार है जो इसको इन्जॉय किया है, फ़र्स्ट टाइम इसको मनाया है, और वो भी अपने लिए नहीं, अपने बेटे आयु के लिए। तो यहाँ पर हम अभी फ्लावर्स तोड़ रहे हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे गाइस, पर ये बहुत ऊँचाई पर थे तो हमने इसको स्किप किया। एंड थोड़े बहुत मिल गए थे, ये देखो आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, नीचे नीचे जो थे वो हमने तोड़ लिए। एंड अब गाइस, यहाँ पर हम तोड़ने वाले हैं फ्लावर्स। यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, इतने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं। एंड अब इनको तोड़ते हैं, ये देखो स्ट्रगल देखो हमारा तोड़ने का। तो गाइज, यहाँ पर ना अम्मा भी हमारी हेल्प कर रही थी फूल तोड़ने में, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर थे, इसकी टहनी हमने नीचे खींच ली। एंड ये देखो गाइज, कितने सुंदर सुंदर फूल हमने कलेक्ट कर रखे हैं। एंड गाइज, ये है बुरास के फूल, ये बहुत ही मतलब इनका जूस भी बनता है और बहुत टेस्टी जूस होता है उसका। तो ये यहाँ पे नहीं मिलते, पापा इसको लेकर आए हैं बहुत दूर से, और इसको भी हम सजाएंगे अपनी टोकरी में। हे गाइस, तो आज है फुल सग्यान और मैं हो चुकी हूँ सुबह सुबह रेडी फूल बांटने के लिए, फूल करने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपने आयु को भी रेडी कर दिया है, उसको भी थोड़ा सजा दिया, उसकी फर्स्ट त्यौहार है ये, और अब उसकी पहली टोकरी लगी है तो हर साल उसकी टोकरी लगेगी अब। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने घर पर फूल फेंक रही हूँ। तो गाइज, अब हम निकल पड़े हैं बाखली में अपने गांव में फूल दही खेलने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले हम अम्मा के घर पे गए, सबसे पहली अम्मा हमारी। एंड यहाँ पर सभी जिसके जिसके यहाँ हम गए, उन्होंने हमें चावल दिए हैं, एंड जो उन्होंने अपने घर में बनाया होगा आज के दिन वो मेरी टोकरी में रखेंगे। जैसे किसी ने कचौरी, किसी ने पूरी वगैरह, किसी ने ब्रेड पकोड़े, किसी ने पकोड़े, जो भी बनाया होगा तो वो मेरी टोकरी में उसको आकर दे देंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, कि मेरे को बहुत सारे पैसे भी मिले, जिस जिसके यहाँ जाएंगे वो पैसे भी देगा। ऑफकोर्स फर्स्ट टोकरी है तो आयु की, तो सभी ने मेरे को पैसे दिए और आयु की बहुत अच्छी खासी इनकम भी हो गई है। अब बड़ी अम्मा छोटी अम्मा हाँ हंस गए।
छोटे अमल धारे गए और बड़े अमल ठीक है। लो अम्मा यहाँ डालना पहले फूल 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 इनका ढुकर भकार भर जाए इनका ढुकर भकार भर जाए हमारी टुकड़ी भर जाए हमारी टुकड़ी भर जाए चावल से टुकड़ी भर जाए। ये कल्लू राम का है ठीक है और ललित का न विजय का ये आयु की है टोकरी। अच्छा ये सिर्फ आयु की टोकरी है। आप कहा जाओ मम्मी ले ले। अरे हाँ जाएगी आप कहा बच्चों के लिए खेलने पता नहीं तू तो अपने बच्चे के लाए। अच्छा वो अपने बच्चों के ऐसे चलो हाँ वो थोड़ा नहीं जाते अच्छा आपको भी दिखाना है लो वो भेजल नहीं आई नोल स्कूल चावल छोटी का है और कैसी पकड़ी है चलो 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 आओ अम्मा ठीक है ठीक है हमारा वीडियो मन बनाना चावल जल्दी तो आईफोन हेलो घाम चिट्ठा मुझे गाइस अरे ये भास्कर है बोल क्या उन्हें ज्ञान का राज बोल बोल फुल 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 तो गाइज सबके यहाँ से आने के बाद अब लोग हमारे घर पे आए हैं टोकरी लेकर अपनी अपनी तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी टोकरी हो गई है। हमें भी सेम प्रोसेस करना है हमें भी सेम चावल और लगड़ जो भी हमने बनाया होगा पूरी वगैरह वो हमको इनको देना है एंड कुछ पैसे देने हैं। तो एंड गाइज यहाँ पर हो चुका है सुबह से अब हो चुकी है शाम और यहाँ पर इवनिंग की धूप मैं और आयु इन्जॉय कर रहे हैं और मुझे आयु के साथ ना खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ खेलने में एंड वो बार बार रो जाता है तो वही अभी मैं उसको खिला रही हूँ उसके साथ खेल रही हूँ। तो गाइज़ ये व्लॉग यहीं तक है तब तक के लिए टाटा बाय बाय मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में।